आइए दिव्य जड़ी बूटियों के इस श्रृंखला में हम एक और वृक्ष को पहचानते हैं, इसके प्रयोग के द्वारा अपने विविध व्याधियों को दूर करने के लिए हम जुट जाते हैं। यह जो विशाल वृक्ष, जो जिस वृक्ष के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ, इस वृक्ष को हम लगभग देश का प्रत्येक नागरिक इससे इसके बृहत और विशाल स्वरूप से परिचित हैं। निश्चित रूप से देश के अंदर पाए जाने वाले जो विशालतम वृक्ष हैं, उन वृक्षों में शायद इस वृक्ष की गणना होती है। इस वृक्ष का जो नाम है वह आप बड़े सहजता से आप जानते हैं, इसको सेमल का वृक्ष कहा जाता है और इसको बॉटनिकल रूप में बॉम्बेक्स सिवा के नाम से इसको जाना जाता है। वर्षों से नहीं सदियों से यह लोगों को शीतलता प्रदान करता हुआ एक अटल तपस्वी की तरह से अड़िग और अपने विशाल शाखाओं को फैलाया हुआ इस धरती पर मनुष्य मात्र को सुख देने में लगा हुआ है। यह बॉम्बेक्स सिवा का जो वृक्ष है वह अतीव औषधीय गुणों से परिपूर्ण, हालांकि भारत के पहाड़ी और सुदूर आदिवासी इलाकों में इन टहनियों को काट करके पशुओं को खिलाया जाता है और यह बहुत पौष्टिक होता है। पशुओं के दूध को बढ़ाने के लिए, उनकी पौष्टिकता के लिए भी यह सिंबल का जो ये पत्तियां हैं, घास है, उसका प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में इसकी जड़ को जड़ नहीं मुसल बोलते हैं। जिस तरह से मुसली का कंद होता है, मुसली छोटी होती है, उसी तरह से उसी चिकनापन को लिए हुए यह जब छोटा वृक्ष होता है, लगभग एक दो साल का होता है, वो शकरकंदी की तरह से अंदर से सॉफ्ट होता है, नरम होता है, मुलायम होता है, उसको हम बोलते हैं सेमल के मुसल। तो उसका प्रयोग औषधि रूप में बहुत तरह से किया जाता है। सेमल की कोमल जड़ को यदि आप उखाड़ करके, टुकड़े करके, सुखा करके, पाउडर करके लेते हैं तो वह आपके धातु रोगों में बहुत ही लाभकारी है। जिन पुरुषों को स्वप्न दोष होता है, वीर्य की शिथिलता है या किसी भी तरह से वीर्य दोष है, उसके लिए वह बहुत ही लाभप्रद है। उसी सेमल के मुसली को आप यदि पाउडर करके उसमें विदारी कंद, सतावर और तीनों को मिला करके उसमें मिश्र मिला करके यदि प्रातः सायं दूध के साथ आप लेते हैं तो यह अत्यंत पौष्टिक, धातु वर्धक और यह शीतल प्रयोग है। उसी सेमल की मुसली को ताजा यदि आपको उपलब्ध हो जाए तो हालांकि उसके अंदर एक चिकना पदार्थ होता है, उसके अंदर से एक तरह से चिपचिपापन लिया होता है, उसको आप कूट करके थोड़ा पानी मिला करके शरबत बना करके पीते हैं तो यह गर्मी से आपको शांति दिलाने वाला है। और ये जो सेमल के पत्तों का जो रस है, इसमें हालांकि रस थोड़ा निकल नहीं पाता है, इसका पत्ता बहुत चिकनाहट भरा होता है, तो थोड़ा सा पानी मिला करके इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। विशेष करके जिनको प्रमेह की बीमारी है, इन कोमल पत्तियों को कूट करके थोड़ा पानी मिला करके शरबत की तरह से भी इसका आप सेवन कर सकते हैं। उससे जो आपकी गर्मी की बीमारी है, जो रक्त पित्त है, रक्त के दोष हैं, वह दूर हो जाते हैं। तो जिनको गर्मी की शिकायत है, रक्त दूषित है, उनको इन पत्तियों को कूट करके शरबत बना करके पीना चाहिए। यह बहुत शीतल है, नक्सिर के लिए या किसी भी तरह से रक्त संबंधी विकारों के लिए आप इस सेमल को निरापद रूप से बिल्कुल निर्भयता के साथ बड़े आनंद पूर्वक आप सेवन कर सकते हैं। जिन माताओं बहनों को लिकोरिया की शिकायत है, उसके लिए भी यह वृक्ष एक रामबाण का काम करता है। इसकी जड़ की
कंद को यदि पाउडर बना करके सुबह शाम पानी के साथ ले लेती हैं तो वह बहुत ही दिव्य है लिकोरिया के लिए। जिन माताओं बहनों को ओवर ब्लीडिंग होती है उसके लिए भी 100 ग्राम सेमल के जड़ का पाउडर, 50 ग्राम मुलेठी और 25 ग्राम स्वर्ण गेरू। गेरू एक तरह से एक मिट्टी होती है, उस मिट्टी का पाउडर करके यदि आप प्रातः सायं दूध के साथ सेवन करते हैं या जल के साथ लेती हैं तो उससे कितनी भी भयानक ओवर ब्लीडिंग की शिकायत है वह ठीक हो जाती है। तो प्रमेह के लिए, प्रदर के लिए, धातु रोग के लिए ये अत्यंत पुष्टिकारक, बलवर्धक और बहुत अच्छी यह औषधि है। इसके औषधीय गुणों में हमने एक बार देखा कि एक आदमी के जो चेचक के दाग थे, चेचक आजकल हालांकि कम देखने को मिलता है, उसके काफ़ी एक साइड पूरे गड्ढे भरने लग रहे थे। एक पहले 4-5 साल पहले हमने देखा तो उसको ज़्यादा थे, 4-5 साल बाद में देखा तो काफ़ी कम थे। हमने पूछा कि ये गड्ढे किस तरह से आपके भर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं एक तो नियमित रूप से प्राणायाम करता हूँ। निश्चित रूप से सभी रोगों में प्राणायाम बहुत ही लाभकारी उसका एक प्रयोग है। प्राणायाम के साथ में उन्होंने जो बताया हमें, हम आपको बताने जा रहे हैं। इस सिंबल के पढ़ में आप देख सकते हैं उसके अंदर कहीं कहीं जहाँ पहले कांटे होते हैं बाद में ये भाग थोड़ा थोड़ा सा ये उभरना शुरू हो जाता है। ये उभरा हुआ भाग है, इसको आप इस तरह से जोर लगाने पर आप इसको निकाल सकते हैं। इस तरह का जो गांठ है इसको आप देखिए, ये जो गांठ भाग है उसको घिस करके बार बार लगाने से चेचक के जो दाग हैं वह भी मिट जाते हैं। इसके बाद में जब हमें इसके इस गुण का पता चला तो हमने कहा कि जब इससे चेचक के दाग मिट सकते हैं तो क्यों नहीं शरीर के झाइयां, पिंपल्स और मुहासे खत्म हो सकते हैं। हमने उसके बाद में कई रोगियों को किल, मुहासे के लिए, झाइयों के लिए इसके इस कंद को घिस करके पेस्ट बना करके चेहरे पर लगाने के लिए कहा। चेहरे पर लगाया गया और निश्चित रूप से यह अत्यंत प्रभावशाली है, निरापद है। आप आराम से लगा सकते हैं, आंखों के आसपास या पूरे चेहरे पर आप इसका लेप कर सकते हैं और यह एक बहुत ही अच्छी औषधि है। तो इससे आपका सौंदर्य बढ़ेगा, इससे आपकी झाइयां, मुहासे, कील समाप्त हो जाएंगे, दाग धब्बे मिट जाएंगे। अब आपका चेहरा वह एक तरह से कांतिमान हो उठेगा। उसके लिए हालांकि हम कांति लेप आपको देते हैं पर वो कांति लेप की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस विशाल सेमल का जो वृक्ष है उस वृक्ष के इन गांठों से इसको घिस करके इसी तरह से जो पुराने फोड़े फुंसियों के कटे हुए जले हुए जो निशान है उन घावों पर भी इसको घिस करके आप उस जगह पर लगा सकते हैं। यह अत्यंत लाभकारी पौधा है। प्रेजेंट्स किचन चैंपियन 23 मई से हर सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ कलर्स पर। आ गया है परम, छा गया है परम। मेरी और मेरे परिवार की सेहत का राज परम प्योर घी। गीता वाणी आपके एयरटेल मोबाइल पर हर सुबह SMS करें गीता 54321 पर। गीतावाणी आपके एयरटेल मोबाइल पर हर सुबह SMS करें गीता 54321 पर। रणभूमि फिर एक बार होट चली है तैयार, बनकर योद्धा किचन में आए जाने माने कलाकार। किचन चैंपियन, किचन चैंपियन, कौन बनेगी किचन चैंपियन? नॉर प्रेजेंट्स किचन चैंपियन 23 मई से हर सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ कलर्स पर।
लिए, कमजोरी के लिए, कमजोरी के लिए इस सेमल के डोड्डों का पाउडर करके आप छाया में सुखा करके रखें, और उसको पाउडर को यदि आप नियमित रूप से एक एक चम्मच सेवन करते हैं तो भी वह अत्यंत पौष्टिक है। जैसे आप एक चम्मच घी ले लेते हैं तो लगभग दो चम्मच आप शहद को इस घी में डाल करके दूध में मिला करके उस दूध के साथ आप सेवन कर सकते हैं। इससे आपको पौष्टिकता मिलेगी, ताकत मिलेगा, इससे आपकी जो ऊर्जा है वह बनी रहेगी। बहुत ही गुणकारी है दूध में थोड़ा शहद और थोड़ा घी। शहद और घी को कभी भी बराबर मात्रा में नहीं मिलाना होता है, ये आप ध्यान रखें। विषम मात्रा में शहद और घी का सेवन आयुर्वेद में अमृत कहा गया, सम मात्रा में शहद और घी का प्रयोग विष माना गया। तो इसको बराबर मात्रा में ना लेकर के जैसे आप एक चम्मच घी ले लेते हैं तो लगभग दो चम्मच आप शहद को इस घी में डाल करके दूध में मिला करके उस दूध के साथ इस सेमल के डोड्डों का आप सेवन कर सकते हैं। इससे आपको पौष्टिकता मिलेगी, ताकत मिलेगा, इससे आपकी जो ऊर्जा है, शरीर की जो क्षमता है वह बनी रहेगी। देश के विभिन्न भागों में इस सेमल का एक प्रयोग किया जाता है, वह है तकिया के रूप में। इसके अंदर बहुत ही सुंदर तरह का एक रुई इसमें से प्राप्त होता है, उसको आप लेकर के आप तकिया बनाते हैं। हालांकि हमारे इधर उत्तर भारत में उसको कई लोग अशुभ मानते हैं। अशुभ का कारण क्या है हम यह तो नहीं कह सकते, फिर भी बंगाल आदि क्षेत्र में इसको बहुत शुभ और एक संपन्नता का प्रतीक मानते हैं। उस रुई के द्वारा तकिया आदि को बनाना और तकिया बना करके सिरहाने में लगा करके सोने से नींद ज्यादा आती है, तो नींद लाने के लिए भी हम सेमल के रुई के द्वारा तकिया आदि बना करके प्रयोग कर सकते हैं। और उस रुई की एक जो विशेषता है वह विशेषता ये है कि जो कपास की रुई होती है वो रुई जो है वो बैठ जाती है, इकट्ठी हो जाती है, वो ज्यादा होने पर धीरे धीरे वो कम हो जाती है, सिकुड़न आ जाती है, पर इस सेमल के रुई में कभी सिकुड़न नहीं आती। और जिन माताओं बहनों को दूध कम उतरता है स्तन में, वो दूध कम उतरने वाली माताएं बहनें भी इस सेमल के जड़ के छाल के प्रयोग से आप ज्यादा दूध उतरने लगता है, उससे वह दूध ठीक से आने लगता है। और इसके पुराने जहां कांटे होते हैं वो खत्म हो जाने के बाद में इस तरह की गांठें वहां बन जाती हैं, उस गांठ को पीस करके अच्छी तरह से यदि माताएं बहनें स्तन आदि पर भी लगाती हैं तो उसकी जो बीमारी है, उसकी जो शिथिलता है, उसका ढीलापन भी इससे दूर होता है। जरूरत नहीं है कॉस्मेटिक सर्जरी की, जरूरत नहीं है महंगे सौंदर्य वर्धन प्रसाधनों की, इसके द्वारा आप उस लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके वृक्ष के छाल को, इस तरह के छाल को निकाल करके बाहर का जो भाग है जहां ये सूखा हुआ है, इतने पोर्शन को आप निकाल के फेंक दें, और अंदर की जो कोमल छाल है उसको कूट करके और उसको पानी में भिगो करके आप थोड़ा उसमें शहद या मिश्री मिला करके सेवन करने से कितनी भी भयानक गर्मी की बीमारी है, कितनी भी आपको गर्मी लगती है, कितना भी आपके शरीर में ज़्यादा पसीना आता है, उसके लिए वह अत्यंत लाभकारी है। उसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे जो प्रमेह है, जो धातु की बीमारी है, किसी भी तरह से कई लोग कहते हैं कि प्रातः काल जब लघुशंका के लिए जाते हैं तो शरीर में से चिकना चिकना पदार्थ निकलता है, और माताएं बहनों को असमय में जो पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है उसमें भी यह अत्यंत लाभकारी है, तो उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रमेह के रोग में, धातु रोग के लिए, गर्मी के रोग के लिए यह जो छिलका है, इसका जो स्वरस है, वो आपके लिए रामबाण है। इसके अतिरिक्त इसके छिलके का आप कहीं पर भी, जैसे आपको जलन हो रही हो, कहीं कोई अंग जल गया हो, उसमें भी आप इसको घिस करके वहां पर लगा सकते हैं। सेमल में से एक तरह का गोंद निकलता है, जो सेमल का गोंद होता है वह बहुत पौष्टिक होता है, वह भी रात्रि को भिगो करके सुबह मिश्री मिला करके आप उसका सेवन कर सकते हैं, वह आपके शरीर को पुष्टि देता है। तो धातु रोगों के लिए, प्रमेह के लिए, लिकोरिया आदि जो माताओं बहनों की जो समस्या है उसके लिए, जो दुखते हुए पीड़ित जो लोग हैं उसके लिए सर्वत्र सहज सुलभ यह वृक्ष एक बहुत ही दिव्य औषधि है, हमारे लिए वरदान है। तो आज से
जो भी धातु रोग से पीड़ित जो लोग हैं, मूत्र रोग से जो पीड़ित लोग हैं, प्रमेह से पीड़ित जो लोग हैं, आज के बाद या जहां जहां संबल है उस क्षेत्र में वह बीमारी नहीं रहनी चाहिए। आइए हम आज से इसका प्रयोग प्रारंभ कर दें, प्रयोग प्रारंभ ही ना करें अपितु औरों को भी कराएं, जिससे कि यह हमारा अड़ोस पड़ोस परिवार रोगी ना हो करके आज से निरोग हो जाए, मेरा प्यारा देश आज से इस रोगों के चुगल से बच जाए, यही हमारा प्रयत्न, यही हमारा पुरुषार्थ। तो इस सेमल के इन गुणों को, इन इसके दिव्य प्रयोगों को पहचान करके हम अपने जीवन में अपनाएं। तो सेमल के पेड़ के नीचे लेटने मात्र से सुखद छाया के साथ निद्रा आती है, शीतलता मिलती है। जिनको गर्मी जन्य बीमारियां हैं उनके लिए रामबाण है, जिनको सर्दी जुकाम कफ की शिकायत रहती है उसके लिए इस सेमल के जड़ का पाउडर और उसमें थोड़ी काली मिर्च या थोड़ी मात्रा में सौंठ को मिला करके आप उसका सेवन कर सकते हैं। इसके छाल के प्रयोग से पूर्व उसमें थोड़ी काली मिर्च या थोड़ी मात्रा में सौंठ मिला दें, क्योंकि यह शीतल होता है, यह पौष्टिक होता है, इसीलिए थोड़ी सी सावधानी रखें। यह पौधा कोई जहरीला पौधा नहीं है, यह आराम से प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि एक चीज जरूर है कि मैं इस वृक्ष को घर में गमले में लगाने के लिए नहीं कह सकूंगा, क्योंकि यह वृक्ष इतना विशाल और इतना बड़ा होता है कि आपके खेत में भी जहाँ खाली जमीन है वहाँ जाकर के आप इस वृक्ष को लगा सकते हैं। उसको लगाने से निश्चित रूप से देश को लाभ मिलेगा और किसान भाई लोग इसकी सब्जी को मार्केट में इसके प्रयोग के संदर्भ में उसको बढ़ा सकते हैं, लोगों की जानकारी और उससे लोग इसका प्रयोग करेंगे तो इसकी सब्जी के खाने से बहुत सारे बीमारियां दूर होंगी, तकिया बना करके लगाने से अच्छी निद्रा आएगी और इसको घिस करके चेहरे पर लगाने से चेहरे की कांति आएगी और जड़ों को कूट करके खाने से शरीर में पुष्टि मिलेगा। तो शरीर के पुष्टि के लिए, कांति को बढ़ाने के लिए, पेट के रोगों को समाप्त करने के लिए और धातु रोगों से छुटकारा पाने के लिए, अच्छी नींद लाने के लिए, आइए आज से हम इससे लाभ प्राप्त करें। कल फिर हम आपके साथ होंगे इसी समय एक और इसी तरह का कोई विशाल वृक्ष या किसी दूसरे औषधीय पौधों के साथ। सेहत का राज परम प्योर घी। किचन चैंपियन 23 मई से हर सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ कलर्स पर। कैन प्योरीफायर्स पानी को बनाए 100% प्योर, क्योंकि इसमें है डबल प्योरिफिकेशन आरओ और यूवी से। कैन देता है दुनिया का सबसे शुद्ध पानी। हैप्पी हैप्पी हॉलिडे, फन में डिलाइट, दोस्ती में मस्त, अजंता एलाइट, लाजवाब स्टाइल हर जगह में हिट, अजंता एलाइट परफेक्ट फिट, सबकी पसंद एक डिसीजन। अजंता एलाइट अब पैरों में कुछ ज्यादा ही आराम। क्या आपका घुटनों के दर्द की वजह से उठना बैठना, चलना फिरना, सीढ़ियाँ चढ़ना व उतरना मुश्किल हो गया है? क्या आप घुटनों के ऑपरेशन का सोच रहे हैं?
रुकिए, हम देंगे आपको बिना ऑपरेशन एवं चीर फाड़ के घुटनों के दर्द से राहत। संपर्क करें पैराकॉन 02943055666, 02946605666। अब तिरुपति, ब्रह्म कुमारी और शिरडी जैसे धर्म स्थलों की आरती सुनिए कहीं से भी। लाइव आरती के लिए कॉल करें 55200, टोल फ्री। अब तिरुपति, ब्रह्म कुमारी और शिरडी जैसे धर्म स्थलों की आरती सुनिए कहीं से भी। लाइव आरती के लिए कॉल करें 55200, टोल फ्री। जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी जो हो खींचा चला आए। MBH मसाले ऐसा फ्लेवर जगाए, असली मसाले सच सच MBH MBH। The White Hotels, the first and only pure vegetarian five-star hotel in Vaishno Devi, Katra. Luxurious rooms, exotic cuisine, state-of-the-art health spa, a scenic swimming pool, and a helicopter service for darshan. Be my guest at the White Hotels and have a lifetime experience. The White Hotels, Vaishno Devi, Katra. Special offer, rupees 3850 with breakfast. चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता दी। रणभूमि फिर एक बार हो चली है तैयार, बनकर योद्धा किचन में आए जाने माने कर...